नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज एक स्टॉक फ्री फॉल गिर रहा था, कोई रुकावट नहीं आ रही थी, कोई सपोर्ट नहीं आ रहा था और उस स्टॉक का नाम था दोस्तों IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। हालांकि मैंने इसके ऊपर सुबह 11:30 बजे वीडियो पोस्ट कर दी थी और करीब 10:25 या 22 मिनट पे न्यूज़ आई थी जिस न्यूज़ की वजह से ये स्टॉक टूटा। अब पहले मैं एक एक करके सारी जानकारी दे देता हूँ। IEX के स्टॉक में आज 11% की फॉल देखने को मिला है आपको। 211 रुपये पे स्टॉक आगे खड़ा हो गया है दोस्तों, 27 रुपये ये स्टॉक टूटा है, लगभग 140 रुपये से चलना शुरू हुआ, 240 रुपये तक गया ये स्टॉक, आज का हाई 244 का है और इस बीच में स्टॉक ने करीब 1.5 से 2 साल का समय लिया और एक सिंगल डे में स्टॉक 240 से 211 पे आके खड़ा हो गया है। और जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है दोस्तों इस स्टॉक के लिए, वो प्रॉब्लम अपने आप में काफी बड़ी है, वो इनके फाइनेंशियल्स पे इंपैक्ट डाल रही है। क्या है खबर, वो मैं आपके साथ शुरू करूंगा, शेयर करूंगा। पहले आप नॉर्मल जानकारी ले लीजिए। स्टॉक में आज वॉल्यूम्स देखो, 12 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं दोस्तों, एवरेज वॉल्यूम 1.5 करोड़ शेयर्स का है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 8 टाइम्स वॉल्यूम ट्रेड होते हुए दिखे हैं एवरेज वॉल्यूम्स के सामने। इंटरेस्टिंग पार्ट और क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं। 211 रुपये पे स्टॉक आगे खड़ा हुआ है और दिन के दौरान कोई ऐसा समय नहीं था जहां इस स्टॉक में गिरावट के बाद हल्की फुल्की रिकवरी भी देखने को मिली हो। डे लो के पास ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। आज इसने अपना 52 वीक हाई हिट किया था 244.4 का और वहीं से गिरावट हुई है। प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं थी, एक खबर के दम पर स्टॉक टूट गया। अब खबर आई थी दोस्तों 10:21 पे, क्या न्यूज थी वो समझिए और उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। खबर थी कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज ऑन गवर्नमेंट्स रडार। कपलिंग ऑफ पावर एक्सचेंज इज ऑन गवर्नमेंट्स रडार। ये कपलिंग क्या है, पावर एक्सचेंज की कपलिंग क्या है, मार्केट कपलिंग, इसको मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आज से 1.5 साल पहले 1 साल पहले भी इस प्रकार की खबर आई थी और वो फर्स्ट टाइम आई थी दोस्तों। तब ये स्टॉक गिरकर 116 रुपए का हो गया था और वो इस स्टॉक ने लो लगाया था उस समय। फिर वहां से धीरे धीरे रिकवरी आई, उस खबर को सब भूल गए। कंपनी के मैनेजमेंट का इंटरव्यू आया और इंटरव्यू में मैनेजमेंट ने कहा कि इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बेकार है, आप क्यों करोगे मार्केट कपलिंग, इससे गवर्नमेंट का केवल एक्सपेंस ही आएगा, फायदा तो कुछ है नहीं। तो सरकार एक ऐसा नियम क्यों लाएगी जिससे किसी को कोई फायदा ही नहीं है और नुकसान अलग है, आई थिंक नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो उसके लिए बहुत समय लगेगा, 2 से 3 साल लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्वेस्टर्स ने कहा ठीक है और शेयर चलने लगा ऊपर। लेकिन आज फिर से खबर आई है। अब ये है क्या पंगा मार्केट कपलिंग का, इसको समझिए। देखो IEX क्या काम करता है, ये एनर्जी का एक्सचेंज है। जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप शेयर्स खरीदते बेचते हो, ऐसे ही एनर्जी का एक्सचेंज करने के लिए आपको IEX के पास जाना पड़ता है। बिकवाली होती है ये पावर की, यहाँ पे खरीद बेच होती है, ठीक है। अब ये अकेला प्लेयर नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ और भी प्लेयर्स हैं, जैसे कि PTC इंडिया है, NTPC है, ये सारे पावर के एक्सचेंजेस हैं। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा प्लेयर IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। करीब 90% का मार्केट शेयर IEX के पास है दोस्तों, यानी कि 10 ऑर्डर जाते हैं तो 10 में से 9 ऑर्डर तो IEX ही कंप्लीट करता है, बाकी जो एक ऑर्डर है वो सारे के सारे मिलकर कभी किसी पे जाता है, समझ गए यार। तो इतना बड़ा प्लेयर है। अब मार्केट कपलिंग से क्या होगा, एक थर्ड पार्टी आएगी, किसी ने ऑर्डर भेजा, थर्ड पार्टी के पास ऑर्डर पहुंचेगा, फिर वो थर्ड पार्टी पास ऑन करेगी ऑर्डर को। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट IEX के पास ऑर्डर से नहीं आएंगे, तो इनकी जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी इधर भी ऑर्डर भेजेगी, इधर भी भेजेगी, इधर भी भेजेगी, तो मार्केट इक्वलिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से IEX जो मोनोपोली क्रिएट कर रखा है यहाँ पे, वो आपके लिए परेशानी में आते हुए दिखेगा और बाकी के 2 खिलाड़ियों का मार्केट शेयर गेन होगा, क्योंकि उनका तो पहले से बहुत छोटा है, तो जाएगा तो कुछ नहीं, आएगा ही आएगा उनके पास। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता वो सिर्फ पा सकता है, वैसा केस उनके पास है। लेकिन IEX के क्या करें, इनके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है और ये खोएंगे और इसीलिए स्टॉक टूटा है। अब ये रूमर है, खबर है, एक अपडेट है, पता नहीं, लेकिन जब भी अनाउंसमेंट होगी सरकार की तरफ से कपलिंग की, तब आपको फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है जी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट कपलिंग IEX के स्टॉक के लिए।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आईएक्स खत्म हो जाएगा मार्केट कपलिंग से, आईएक्स और जगह भी कामकाज कर रहा है, लेकिन इस फील्ड में जहां मोनोपोली है वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, इसी वजह से शेयर टूटा। मैंने दिन की 11:30 बजे वाली वीडियो में भी आपसे कहा था कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है स्टॉक, पहले भी खबरें आई हैं इस तरीके की और स्टॉक टूटता है लेकिन वापस चला जाता है। सिर्फ इतना बोलूंगा 220 के नीचे आप एग्जिट कर देना, उस समय 225 का भाव था, 220 के नीचे एग्जिट किया तो 10 रुपये तो आपने बचा लिए अपने, टेंशन में भी मुक्त हो। पूरा एग्जिट नहीं बोला था, 50% बोला था, 100 शेयर है 50 बेच दो, 1000 शेयर है 500 बेच दो, और जो बेच रहे हो अगर 230 के ऊपर दोबारा निकले तो वो दोबारा खरीद लेना। ये आपके साथ मैंने स्ट्रेटेजी शेयर करी थी जो मैं रिपीट करूंगा इसमें। हालांकि अब 220 के नीचे हो चुका है ऑलरेडी, अब बेचने का क्या मायदा, क्योंकि खरीदने का भाव तो 230 ही है, कम से कम कुछ जहां से बड़ी फॉल आई है उसके ऊपर लेंगे तभी फायदा, वरना रिकवरी मोड में कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लेट हो गए हो दोस्तों, अगर आपके पास है तो प्लीज़ मैनेज कीजिए अपने हिसाब से, वरना प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ी है और बढ़ सकती है। देखने वाली बात है कि डिलीवरी परसेंटेज कितनी आती है यहाँ पे, और अगर डिलीवरी परसेंटेज नहीं आई तो फिर प्रॉब्लम और बढ़ेगी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी आईएक्स के स्टॉक पे, होप आपको सही जानकारी सही समय पर दे पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।